सऊदी अरब में हरमेन शरीफ इनकी देखभाल की जिम्मेदार तंजीम के सेक्रेटरी ब्राय अमन और सलामती फयाजुल हारिसी का अपने जारी करदा बयान में कहना है कि ममलिकत में होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरान मुमकिन खतरात से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक निपटा जा रहा है। बैन अलावा खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के दौरान सिक्योरिटी के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। लाहौर अदालत ने मौन सलाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने मौन सलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके 16 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद PTA रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने असद कैसर को बनी गाला से गिरफ्तार करके थाना बनी गाला मुंतकिल कर दिया। असद कैसर को गुजुफान मेडिकल कॉलेज सवाबी करप्शन स्कैंडल में नामजदगी पर गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात के नाकाद से मुतालिक केस की समाअत के हुक्म नामे में कहा है कि किसी अदारे के पास आयन से इनहराफ का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, आईनी खिलाफ वर्जी का खामियाजा मुल्की अदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। रावलपिंडी बलोचिस्तान में दहशत गर्दों की जानब से सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसमें 14 फौजी जवान शहीद हो गए। फौज के शोबे तालुकात आमा ISPR के मुताबिक कस्ती से ओमारा और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज की दो गाड़ी पर हमला किया गया।